नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। अभी अभी आपको बता दे रहे हैं कि एक बड़ी जानकारी मिली है, नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला है। आपको वहीं पर बताते चले कि नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है, तो मंत्री की जिम्मेदारी किस मंत्री को कहां की जिम्मेदारी सौंपी है नीतीश कुमार ने, मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया, नालंदा और मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। आपको बताते चले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना और विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर, भोजपुरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया, नालंदा और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली का प्रभारी मंत्री बनाया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद और मंत्री सुमित कुमार सहसारण का मंत्री बनाया गया है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सिवान, मंत्री मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय, नीरज कुमार सिंह को कटिहार, मंत्री अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद, लेसी सिंह को मधुबनी, मदन सहनी को सुपौल, मंत्री नीतीश मिश्रा को अररिया और गया का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्री नितिन नवीन को बक्सर, कैमूर मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सहरसा, मंत्री महेश्वर हजारी को खगड़िया, शिला कुमार को शेखपुरा और लखीसराय, सुनील कुमार को पूर्वी चंपारण, जनक राम को पश्चिमी चंपारण, हरीश सहनी को अरवल, कृष्णनंदन पासवान को गोपालगंज, जयंत राज को रोहतास, जमा खान को किशनगंज और शिवहर, रत्नेश सदा को जमुई, केदार प्रसाद गुप्ता को मुंगेर, सुदेश मेहता को बांका और संतोष कुमार सिंह भागलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया, नालंदा और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। आपको वहीं पर बता दें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना और विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर, भोजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया, नालंदा और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद और मंत्री सुमित कुमार सहसारण का मंत्री बनाया गया है। आपको वहीं पर बताते चले कि बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सिवान, मंत्री मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय, नीरज कुमार सिंह को कटिहार, मंत्री अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद, लेसी सिंह को मधुबनी, मदन सहनी को सुपौल, मंत्री नीतीश मिश्रा को अररिया और गया का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। तो जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जिस तरीके से कहां कहां मंत्री को बांट दिया है, कहां कहां की जिम्मेदारी किस मंत्री को सौंप दिया है, सारे मंत्री का अलग अलग जिम्मेवारी, वहीं पर आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जिस तरीके से फैसला ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही फैसला है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार मंत्री को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बनाए हैं, सारे मंत्री को जो उनके करीबी है विजय कुमार चौधरी को, उनको भी अच्छे जगह का मंत्री घोषित किया है। वहीं पर आपको बता दें, नीतीश कुमार का ये फैसला काफी सही लग रहा है, लोगों का भी अनुमान है कि नीतीश कुमार सही फैसला लिए हुए। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।